हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ आप ओपन माइंड करके देखें, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, सभी जोडियक साइन के लिए हैं। ओके, और सभी एज ग्रुप के लिए हैं। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, रीडिंग देखने के टाइम पर आप खुद को बिल्कुल पॉजिटिव रखें। जो भी नेगेटिविटी हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, कोई भी ऐसी बात आपको परेशान कर रही है जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप शांत हो जाएं। समय पे छोड़ दें उस सवाल को जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है। ओके, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिस भी रिलीजन में आप बिलीव करते हैं, जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। टैरो एक गाइडेंस है, आप उसको गाइडेंस की तरह रखें। और जो चीज़ें आपको लगता है नेगेटिव आई हैं कभी भी किसी भी रीडिंग में, ठीक है, उसको आपको गाइडेंस की तरह लेना है, नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। पॉजिटिव आती हैं, पॉजिटिव रह के आप वही सारी चीज़ें एफर्मेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके, करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर प्लीज़ हमें बताएं। ओके, टेन ऑफ वैंड्स। ओके, कभी भी आपको ऐसा लगता है कि कार्ड शफलिंग आपको नहीं देखना है, ठीक है, तो आप जब तक कार्ड शफल होते हैं, मैं पूरी डेक पर कार्ड निकालती हूँ, तब तक आप वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। ओके, उतने टाइम का वीडियो स्किप कर दिया कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि देखिए कार्ड शफलिंग थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इन्हीं कार्ड से हम काफ़ी ज़्यादा रीडिंग्स करते हैं, तो क्लींस करना, शफलिंग करना ये ज़रूरी है। ओके, हो सकता है आप काफ़ी समय से अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स, टेन एट सेवन। ओके, आप अपने लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट ना करें किसी भी तरीके का। ओके, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है अपनी लाइफ में। अपनी हेल्थ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है इन दिनों में आपको, ऑलराइट। और जो भी मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि आज मेरी रीडिंग को ऐसा पर्सन देख रहा है जिसको सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, आपका मन शांत नहीं हो रहा है, मन शांत करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने स्टार्टिंग में बताया, जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हैं, जब आप बिलीव कर रहे हैं तो उसके ऊपर छोड़ कर तो देखिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए लाइफ में वो सब चीज़ मिलेगी। थोड़ा शांति रखेंगे ना आप, थोड़ा अपने मन को, ऊपर वाले पे तो भरोसा कर सकते हैं आप, किसी और पे करें ना करें, ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए, वो आपको हमेशा सही रास्ता, सही चीज़ सही सल्यूशन सब देगा। बस वो क्या है, हम बहुत जल्दी में होते हैं ना हमेशा, तो हमें ऊपर वाले का दिया हुआ ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आता, हमें वो चाहिए होता है जो हमें चाहिए होता है, और ऊपर वाला हमें वो देगा जो सच में हमें चाहिए, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। देखो कितना प्यारा कार्ड आया है, ठीक है। मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा स्लो एक्शन है आपके पार्टनर का, लेकिन बहुत अच्छा है। ओ माँ देखो भाई, देखो सिटी भी निकल गई उसे जो भी प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो खींच के आपके पार्टनर को आपसे दूर लेकर गया, लेकिन देखो यहाँ पे ना हंसना मत, कोई तो हंसाए, देखो हंसो मत, देखो ना मेरे रीडिंग करते टाइम हो जाता है ये सब कुछ, ठीक है।
ओके देख लो, मैंने अभी जस्ट आपको बोला, थैंक यू गॉड, आपके पार्टनर आपको इस रूप में देखना चाहता है, एम्प्रेस, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, मेल हो फीमेल हो, आपको सेल्फ लव करना है, ये म्यूचुअल एनर्जी है। आपके पार्टनर भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। आपके पार्टनर आपको पता है, आप में से कोई तो है मेरे व्यूवर्स जो सेल्फ लव करने स्टार्ट कर देंगे, भाई देखो आएगा तो आना ही है उसे तो मेरे पास में, ये एनर्जीज़। अच्छा ठीक है, ये वीडियो जितने टाइम में जब भी जिसके भी सामने आए, कमेंट से ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, मैं कमेंट करने के लिए कभी कभी आप लोग को इसलिए बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई पर्सन वहाँ किसका कौन कमेंट पड़े, किसके मुंह से क्या निकल जाए कि भाई सामने वाले की प्रे कबूल हो जाए, ऊपर वाला सुन ले बस, सामने वाले का रीयूनियन हो जाए, तो कमेंट करते रहा करो, जिससे कि क्या यूनिवर्स में वो मैसेजेस जाते रहते हैं, ठीक है। पता नहीं वो टाइम पे आप मैसेज कर रहे हो, कहते हैं ना सरस्वती माँ बैठती हैं एक दिन में एक बार अपने अपनी जीभ पर, अपनी ज़ुबान पर, तो वो चीज़ ऊपर वाला सुन लेगा। लिख दो जो भी चाहिए, ठीक है, ओके। सेल्फ लव करना स्टार्ट करना, किसी ने तो कर दिया है बहुत अच्छे से सेल्फ लव करना स्टार्ट किया, भैया इसको तो आना ही है, मुझे अपनी स्किन का ध्यान रखना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है। कल को मेरे पार्टनर मेरे पास वापस आए, बोलेगा है कितने सारे डार्क सर्कल्स हैं, स्किन का क्या हाल कर लिया, हेयर फॉल हो गया ना, ठीक है चलो। ठंडी है तो कोई स्किन पे ज़्यादा कुछ फेस पैक ना लगा लेना, ठंडी लग जाएगी, लेकिन हाँ अपना ध्यान रखो, सेल्फ लव स्टार्ट करो। देखो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स ये हैं, आपके पार्टनर ना काफ़ी ज़्यादा बर्डन में। अब देखो ये बर्डन किस चीज़ का हो सकता है, ये बर्डन हो सकता है जिस भी पर्सन के साथ है, जो भी फैमिली इशूज़ हैं उसमें वो वहाँ खुश नहीं है, उन्हें कहाँ आना है, आपके पास आना है। और जब वो देखो आपके पास आएंगे ना, काफ़ी ज़्यादा बर्डन लेकर आएंगे। और ये भी कन्फर्म है कि आप अपने पार्टनर के साथ उनके घर में ना रह कर कहीं और रहोगे, ठीक है, वो कहीं और ही आपको रखेंगे। हो सकता है आप अपनी सिटी ही चेंज कर लें, हो सकता है वो कहीं और जॉब करते होंगे, अगर बिजनेस करते होंगे तो देखो आपको अलग घर लेकर रहेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि वो फैमिली इशूज़ रहेंगे हमेशा, मेरे पीछे से कुछ शोर आ रहा है, बच्चे ये शोर कर रहे हैं तो प्लीज़ इग्नोर करना, बच्चे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बर्डन में, और फैमिली की तरफ से भी कोई बर्डन है ना, उस बर्डन को लेकर वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो रुक नहीं रहे, आपकी तरफ बढ़ेंगे वो उस बर्डन को लेकर भी। लेकिन जब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे ना, बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करना कि वो बहुत ज़्यादा आपको ये पूरी तरीके से आपके ऊपर प्यार लुटाना शुरू कर देंगे, आपको ना सॉरी करने लगेंगे, घुटनों पे बैठ जाएंगे, ये चीज़ मत करना। ये चीज़ कब होगी पता है आपको, ये चीज़ जब होगी कि जब आप अपने पार्टनर का अब इस बर्डन में देखोगे कि बर्डन में है, तो उसके साथ उसका साथ दोगे कि वो बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़कर आ रहा है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आ रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि लोगों ने उसके ऊपर इतना दबाव बना लिया था कि वो आपसे अलग हो गया। तो यानी ये आपके पार्टनर जिस जहाँ पर भी हैं, थर्ड पर्सन है या फैमिली है, वहाँ पर मेंटली प्रेशर किया जा रहा है उनको, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो रुक नहीं रहे। जिस भी जगह पे जहाँ भी हैं, एट ऑफ सॉर्ट्स, खुश नहीं है, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उन्हें किसी की बात पसंद नहीं आ रही है, कोई और पसंद नहीं आ रहा है, ये चीज़ आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें, स्टॉक करना छोड़ दें अपने पार्टनर को, ओके। और देखो दो लोगों के बीच में अभी ना फंसना, सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन की तरफ रहना, कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करना, ये सिंगल्स के लिए हैं जो किसी अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हो तो वेट ही करो, दूसरे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट मत होना, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम दूसरे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उस पर्सन के आने के चांसेस कम हो जाते हैं, कम क्या बिल्कुल माइनस में चले जाते हैं, ओके। अभी ऐसा मत करना एक पर्सन का वेट कर रहे हैं, दूसरे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उससे बातचीत हो रही है, उसके अंदर सेम फीलिंग्स है, तो यूनिवर्स आपको क्या करेगा फिर, वो यूनिवर्स भी कन्फ्यूज़न ही देगा, क्योंकि आप भी वहाँ पर कन्फ्यूज रहे, ओके। आपके पार्टनर बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ये जो बंधन है ये किसी चीज़ के ऊपर है, मतलब या तो फैमिली ने उन्होंने बांधने की कोशिश की लेकिन वो बंध नहीं रहे हैं, किसी रिलेशनशिप करने के लिए। अगर थर्ड पर्सन है उनके पास, उन्हें अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है, फैमिली उन्हें अपने पास रखने की कोशिश कर रही है, तो भी आपके पार्टनर वहाँ पे खुश नहीं है, वहाँ से निकलना चाहते हैं, बहुत जल्दी निकलेंगे और उस बंधन को परमानेंट तोड़कर निकलेंगे। यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पार्टनर को आप ही चाहिए, जितनी भी ज़्यादा आपके अंदर एज डिफरेंस हो, आपके अंदर नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, आपके दोनों के बीच में झगड़ा हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हो, आप कहते हैं ना कितना कोई किसके पास कितना पैसा है, कुछ लोग ये भी सोचते हैं लोगों ने उन्हें आपके खिलाफ़ करने के लिए कहा, वो तुमसे बड़ा है या बड़ी है, वो मैरिड है, वो अनमैरिड है, उसके पास तो उसके फाइनेंसेस तो है नहीं, उसके पास तो जॉब नहीं है, उसके पास तो घर नहीं है, वो तो कितना गुस्से वाला या गुस्से वाली है। आपका पार्टनर है, आपको पसंद है, ठीक है,
आपके पार्टनर को आप पसंद है, तो उन लोगों की ये सब चीज़ें कहने का आपके पार्टनर के ऊपर ज़रा भी असर नहीं हो रहा है, ओके। आपके पार्टनर की हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर को आपने फाइनेंशियली हेल्प किया होगा, सो वो भी बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। आपके पार्टनर की हेल्थ जब ठीक नहीं है ना, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपने उनका साथ दिया होगा वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उस वक्त में आपको, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स अपने फाइनेंसेस इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, उनका मेच्योरिटी लेवल बढ़ गया है, नेगेटिव कुछ नहीं है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर इस रिश्ते को पूरा करेंगे, ओके। यहाँ पर आपके पास आएंगे प्यार, लवर्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, साथ, केयर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन। अगर आप में से किसी ने कोई भी हीलिंग स्पेल किया है, वो सब चीज़ें काम कर रही हैं, आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, बशर्ते अब आप अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करके रखें। किसी एक दो, आपने तो हमेशा देखा होगा, हमेशा अगर आप कंफ्यूज रहोगे, कंफ्यूजन क्रिएट करते रहोगे, भाई यूनिवर्स की तरफ से आपको ये गाइडेंस नहीं मिलेगी कि तुम इस पर्सन की तरफ जाओ, आपकी एनर्जीज कहाँ जा रही हैं, पहले आपको वो कंट्रोल करना है, फिर यूनिवर्स से आप साइन मांगिए कि जो मैंने चूज़ की है या किया है क्या वो सही है। डेफिनेटली यूनिवर्स आपको जवाब देगा, ठीक है। जिस पर्सन के बारे में आप वेट कर रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस पर्सन की करंट फीलिंग्स आप देख रहे हैं, वो पर्सन आपसे प्यार करता है, आपके साथ शादी करेगा, वो पर्सन उसके साथ यूनिवर्स ने आपकी शादी लिख दी हुई है। कितना भी बर्डन हो, किसी भी पर्सन के साथ वो बंधा हुआ हो, वो पर्सन आपके पास आकर आपसे शादी करेगा। आप दोनों का रिश्ता डिवाइन ने तय किया है, इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है। सेवन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, लेकिन दो लोग यहाँ पे हैं, कोई फीमेल फीमेल भी हो सकती है, कोई मेल फीमेल, कोई मेल मेल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो आपके पर्सन को आपकी तरफ आने का रास्ता दिखाएंगे। बहुत जल्दी आप दोनों का मतलब एक होने का टाइम आ रहा है। 11-11 आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, 111 ज़्यादा दिख रहा होगा, 111-111 11-11 हो गया, वो ज़्यादा दिख रहा होगा। कोई ऐसी जब भी अनजस्ट नंबर्स देखें, आप अपनी प्रेयर, अपनी जो विश है उसको उतनी बार बोले, मतलब 11 कोशिश कीजिए। अब लेकिन आप ड्राइव कर रहे हैं, आप अचानक नींद में हैं, तो उस मैनिफेस्टेशन को एक बार भी बोलेंगे तो भी चलेगा। इमेजिन कीजिए कि वो विश आपकी पूरी हो रही है, जिस भी जगह है वहाँ से निकलेंगे, वहाँ से निकलकर आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, डिसाइड कर चुके हैं आपके पार्टनर, आपको एक प्यारा सा कमिटमेंट देंगे, डिसीज़न ले चुके हैं, यहाँ पर कुछ और नहीं है, डिसीज़न लिया गया है यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से कि आपको एक कमिटमेंट देंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मैंने कहा फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर नई शुरुआत करेंगे, एक जो चमक, एक जो रौनक आनी चाहिए इस रिलेशनशिप में वो आनी शुरू हो गई है। आप अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल शांत रखें, एम्प्रेस की एनर्जी में सेल्फ लव करना स्टार्ट करना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है आपको, किसी भी हाल में मैनिफेस्ट करते रहना है, गॉड में बिलीव करना है, ओके। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई तो अपना ध्यान रखना है, खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइज, बाय बाय।